अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, उसको स्टार्ट करने से पहले एक क्विक सा रिव्यू लेक्चर नंबर 6 का, जिसके अंदर हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी। बेसिकली दे वर द 3 एसेंशियल्स फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रोफेशनल्स जो जजमेंट है, ठीक है, वो फर्स्ट स्किल है जो कि एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। प्रोफेशनल जजमेंट का क्या मतलब था कि इन एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अगेंस्ट अ सर्टेन इशू, ठीक है, यू कैन अप्लाई योर ओन जजमेंट अकॉर्डिंग टू योर ट्रेनिंग, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट यू हैव गेन्ड फ्रॉम द पास्ट ईयर्स। यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज इन टू दैट प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसिस। उसके बाद हमने किया था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब था कि ये एक एटीट्यूड है जो कि एक ऑडिटर के अंदर होना लाजमी है, अगर तो वो प्रॉपरली ऑडिट को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और प्रोफेशनली कंडक्ट करना चाहता है। ठीक है, ये एक एटीट्यूड था जिसके अंदर एक ऑडिटर अलर्ट रहता है ऐसी कंडीशन से जो कि मिस स्टेटमेंट का चांस बन सकती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और जो भी एविडेंस उसको मिलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट उसको वो क्रिटिकली एनालाइज करता है, क्रिटिकली एवेल्यूएट करता है, ठीक है, क्वेश्चनिंग माइंड के साथ मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, या मैनेजमेंट के अलावा कंपनी के किसी भी स्टाफ मेंबर के साथ या आउटसाइड द कंपनी अगर कोई उनके जो रिलेटेड पार्टीज हैं, ठीक है, उनके साथ क्वेश्चनिंग माइंडसेट रखना ज़रूरी होता है, ठीक है, अगर आप ऑडिट को प्रोफेशनली कंडक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस जो है दैट इज़ एसेंशियल ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ठीक है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द कंपनी या फ्रॉम द क्लाइंट, फ्रॉम इट्स रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, फ्रॉम द शेयर होल्डर। इन सब से इंडिपेंडेंट होना एक ऑडिटर के लिए कंपल्सरी होता है अगर तो वो ऑडिट का पार्ट बनना चाहता है, ऑडिट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहता है। ठीक है जी, अब आज के लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसके अंदर हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन ऑडिट पढ़ेंगे कि ऑडिट के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं, जो गवर्न करती हैं ऑडिट प्रोसेस को। तो इसके अंदर हमने आज जो पढ़ना है वो एक नेशनल लेवल पढ़ना है कि नेशनल लेवल पर हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और इंटरनेशनल लेवल के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। तो नेशनल लेवल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ICAP और SECP, और इंटरनेशनल लेवल के अंदर हम पढ़ेंगे IFAC और ISAS। तो जी लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले आता है जी नेशनल लेवल अथॉरिटीज़, यानी कि वो अथॉरिटीज़ जो कि विद इन पाकिस्तान हम रेगुलेट करती हैं प्रोसेस ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटेंसी को। तो हमें भी पता है कि वो हमारा जो बोर्ड है ICAP, बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और वो क्या करता है जी, रेगुलेट करता है अकाउंटेंसी एंड ऑडिट ऑल ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पर कंपल्सरी है क्योंकि वो नेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है SECP। ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जो कि लॉ की तरफ से हम पे इम्पोज होती हैं, जो कि हमने इम्प्लाई करनी होती हैं अपने आप पर, ठीक है। तो वो जो लॉ होता है बेसिकली दैट इज़ SECP इन पाकिस्तान, विच इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आप लोगों ने बिजनेस लॉ के अंदर इस टर्म से आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे, इसको हम लोग खाली कमीशन भी कहते हैं और SECP भी कहते हैं। बेसिकली ये लॉ की गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान के अंदर, जिनसे लॉज जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, बनते हैं। तो वो जो बेसिक लॉ है हमारा, ठीक है, जो कि ऑडिट और आपके अकाउंटेंसी के अंदर अप्लाई होता है, दैट इज़ बेसिकली कंपनीज एक्ट 2017, जो कि बेसिकली अप्लाई होता है कंपनीज के ऊपर, जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है उस पर अप्लाई होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है आप लोगों ने बिजनेस लॉ CAF 3 के अंदर भी पढ़ा होगा कि कंपनीज एक्ट जो होता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑडिट प्रोसेस के हिसाब से, कि ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो उनका फॉर्मेट जो होता है बेसिकली वो
स्टैंडर्ड्स में भी मेंशन होता है और कंपनीज एक्ट में भी मेंशन होता है। और उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा है कि ऑडिट की कुछ लिमिट्स होती हैं, जो हमने बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ा है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, कब एक ऑडिटर जो है वो कंपनी का ऑडिट कर सकता है, कब एक ऑडिटर डिसक्वालिफाइड है, ठीक है, एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए लिमिट्स क्या होती हैं, प्राइवेट कंपनी का ऑडिट, पब्लिक कंपनी का ऑडिट, इस तरह के जितने भी डिटेल्स होती हैं, जितने भी रेगुलेशंस होती हैं, सारी की सारी हमें SECP जो होता है बेसिकली वो बताता है और उसी को हमने फॉलो करना होता है। ठीक है जी, दैट वाज नेशनल लेवल सिक्योरिटीज, नेशनल लेवल अथॉरिटीज़ के नेशनल लेवल पर पाकिस्तान के अंदर ये कौन कौन सी बॉडीज़ जो होती हैं ये ऑडिट और अकाउंटेंसी को गवर्न करती हैं। आगे अब हमारे पास आता है इंटरनेशनल लेवल ऑफ अथॉरिटी। इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो दैट इज़ बेसिकली IFAC, विच इज़ द गवर्निंग अथॉरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, IFAC यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, और ये बेसिकली एक ग्लोबल अकाउंटेंसी और ऑडिट गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज के मेंबर्स बेसिकली IFAC के अंदर होते हैं। IFAC इज़ अ ग्लोबल बॉडी, ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मेंबर्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो इस बॉडी के साथ लिंक्ड होते हैं, जो कि अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, और IFAC बेसिकली गवर्न करता है पूरे अकाउंटेंसी और ऑडिट को थ्रू अमेरिका। अमेरिका के अंदर इनका ऑफिस होता है, या बेसिकली आप कह दें कि इनका जो सारा सेटअप है मेन वो अमेरिका के अंदर होता है, और यहाँ से वो सब पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी ऑडिट और अकाउंटेंसी को जो होता है वो गवर्न कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि IFAC इज़ अ ग्लोबल बॉडी, पाकिस्तान से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ICAP जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है अकाउंटेंसी और ऑडिट ऑफ पाकिस्तान को IFAC को, IFAC में। तो पाकिस्तान का जो मेंबर होगा वो ICAP होगा, उसके बाद इंडिया का जो मेंबर है वो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इस तरह से फिर CGA हैं कनाडा के, ठीक है, इस तरह से फिर डिफरेंट जो है ICAW है, ठीक है, जो UK एंड इंग्लैंड एंड वेल्स का है, इस तरह से डिफरेंट ये मेंबर्स हैं किनके, IFAC के। एट द एंड आपके पास IFAC जो होता है वो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, और ICAP हो गया, ICAI हो गया, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारी उनके मेंबर्स होते हैं, जो कि नेशनल लेवल पर जो होता है अपनी कंट्रीज़ के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो होता है वो अकाउंटेंसी और ऑडिट को चला रहे होते हैं, गवर्न कर रहे होते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे मेंबर्स होते हैं IFAC के, और IFAC जो होता है फिर ओवरऑल द वर्ल्ड जो होता है वो गवर्न कर रहा होता है अकाउंटेंसी और ऑडिट प्रोफेशन को थ्रू देम। ठीक है जी, इसके बाद अब हमारे पास आते हैं कि IFAC के बेसिकली रोल्स क्या होते हैं। IFAC के रोल्स क्या हैं जी, IFAC जाहिर सी बात है एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, एक ग्लोबल बॉडी है, ठीक है, जो ओवरऑल द ग्लोब जो है जितने भी अकाउंटेंसी और ऑडिट मेंबर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के उनमें अकाउंटेंसी और ऑडिट को डील कर रही होती है। तो बेसिकली ऑडिट IFAC का फंक्शन क्या होता है, डेवलपिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट जो होती है बेसिकली दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ IFAC। जितने भी आपके ऑडिट स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो ऑडिट स्टैंडर्ड्स जितने भी बनते हैं डेवलप होते हैं ये सारे के सारे कौन करता है, IFAC करता है। इसके बाद उन स्टैंडर्ड्स की फिर इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ के अंदर की जाती है, ठीक है, यानी कि IFAC जो होता है वो अपने मेंबर कंट्रीज़ को बता देता होता है कि भाई ये स्टैंडर्ड मैंने बना लिया है अब आप इस पर अपना रिव्यू दें, ठीक है, और फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के जितने भी मेंबर बॉडीज़ होती हैं IFAC हो गया, ICAI हो गई, CGA हो गया, ICAW हो गया, ये सारे के सारे अपने रिमार्क्स अपने कमेंट सजेशंस देते हैं, और फिर एक जब स्टैंडर्ड डेवलप बन जाता है तो वो फिर वही स्टैंडर्ड IFAC डिफरेंट अपनी बॉडीज जो मेंबर बॉडीज़ हैं उनके थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई करवाता है। ठीक है जी, तो डेवलपमेंट के बाद हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, के वो स्टैंडर्ड्स जो बन जाते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो भी
जिम्मेदारी है आईफैक की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शन है आईफैक का कि ना सिर्फ वो डेवलप करता है स्टैंडर्ड्स को बल्कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी फैसिलिटेट करता है। इसके बाद ही हमारे पास आता है टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ अकाउंटेंट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक एक ग्लोबल बॉडी है, तो अकाउंटेंट्स जो होती है बेसिकली वर्ल्ड के अंदर अकाउंटेंट्स की वैल्यू, ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस जो होती है उसको प्रमोट करना कि भाई इम्पोर्टेंस किस तरह से है एक अकाउंटेंट की ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वो सारी के सारी की डील करता है आईफैक। आईफैक प्रमोट करता है अकाउंटेंट्स की वैल्यू को वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, जिससे अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है, ठीक है, उसकी वैल्यू अप होती है और कभी भी डाउन नहीं होती। इसके बाद हमारे पास लास्ट है जी के रेजेस वॉइस रिगार्डिंग द पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज वेयर एवर प्रोफेशंस वॉइस इज नीडेड। बाद में जी जाहिर सी बात है कि आईफैक जो है अगर वो ग्लोबल बॉडी है तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उन सब की कोई भी अगर कोई इशू होता है उनकी बॉडीज़ के अंदर, कोई भी रेगुलेटरी इशू चल रहा होता है, तो उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करना, या फिर अगर मेंबर कंट्रीज़ के अंदर नहीं, ग्लोबली अगर कोई अकाउंटेंसी या ऑडिट के ख़िलाफ़ या ऑडिट के अगेंस्ट कोई भी ऐसा इशू रेज होता है जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ अकाउंटेंट्स से रिलेटेड होता है, जहाँ पे प्रोफेशन की वॉइस पहुँचानी ज़रूरी होती है, उसका व्यू पॉइंट रखना ज़रूरी होता है, वहाँ पर फिर क्योंकि एक आईफैक जो है वो एक गवर्न कर रहा होता है, इसलिए उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उधर रिप्रेजेंट करे इस तरह की पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज़ के अंदर प्रोफेशन को। और वो जो प्रोफेशन है वो बेसिकली अकाउंटिंग और ऑडिट है। ठीक है जी, तो ये हमारा था आईफैक का एक इंट्रोडक्शन कि आईफैक जो है बेसिकली दैट इज़ एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ अकाउंटेंसी एंड ऑडिट। और उसके बाद हमने उसके फंक्शंस या रोल्स पढ़े कि आईफैक जो होता है वो किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके क्या रोल्स होते हैं और फंक्शंस बेसिकली उसके क्या हैं। तो हमने पढ़ा कि एक तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है, और उसके बाद ना सिर्फ वो डेवलप करता है बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी फिर जो होता है वो आईफैक के ऊपर ही होती है, और वो अपनी डिफरेंट मेंबर जो कंट्रीज़ होती हैं उनके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करवाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये वैल्यू ऑफ अकाउंटेंट्स जो होता है इसको प्रमोट करता है, अकाउंटेंसी प्रोफेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट के ये उन जगहों पर जहाँ पर प्रोफेशन की वॉइस पहुँचना ज़रूरी होती है, प्रोफेशन का व्यू पॉइंट पहुँचना ज़रूरी होता है, वहाँ पर अकाउंटेंसी और ऑडिट को ओवरऑल द वर्ल्ड ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, इसके बाद अब हमारे पास आता है बोर्ड्स के जी, डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं जो कि आईफैक के अंदर वर्क करते हैं, जिनके अंदर अब जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया कि आईफैक बेसिकली एक ग्लोबल बॉडी है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं जो इसके अंडर वर्क करते हैं, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करते हैं। आईफैक के अंदर कौन कौन से बोर्ड्स हैं? सबसे पहला जी हमारे पास आता है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, कि ये अश्योरेंस से रिलेट करता है और ऑडिट से रिलेट करता है, यानी कि एब्रीविएशन वाइज IAASB। एंड इसका पर्पस क्या होता है, किस तरह से ओवरऑल द वर्ल्ड ऑडिट रिव्यू और रिलेटेड सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं ISAs, ठीक है, वो किस तरह से, वो कहाँ से बन के आते हैं, ठीक है, ऑडिट किस तरह ओवरऑल द वर्ल्ड होगा, ठीक है, रिव्यू इंगेजमेंट्स किस तरह से परफॉर्म की जाएंगी ओवरऑल द वर्ल्ड, ठीक है, और रिलेटेड सर्विसेज जो कि CFAP का टॉपिक है, हमारे CAF 9 के अंदर इसका इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, बस सिर्फ डेफिनेशन की हद तक ही है, ठीक है, जबकि जो CFAP है उसके अंदर इसकी कंप्लीट इसका स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि IAASB जो है वो बताता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये बताने के लिए कि ओवरऑल द वर्ल्ड ऑडिट रिव्यू और रिलेटेड सर्विसेज किस तरह से परफॉर्म की जाएंगी सेम तरीके से ओवरऑल द वर्ल्ड,
क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड्स हैं, जिस मर्ज़ी कंट्री के अंदर चले जाएं जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आईफैक ने इशू करने, आईफैक वही स्टैंडर्ड्स इशू करेगा जो कि सारे के सारी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड पहुंचेगा। तो वो स्टैंडर्ड हर जगह सेम ही तरह से अप्लाई किया जाएगा, सेम ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, चाहे कंट्री कोई भी हो। जी आगे हमारे पास जो बोर्ड आता है दैट इज़ इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड्स फॉर अकाउंटेंट्स। हमने पढ़ा था कि एथिक्स जो होता है वो अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनको उनकी एप्लीकेशन ठीक है और उनका यूजेज वो होना बहुत ज़रूरी है अकाउंटेंट्स के लिए और ऑडिट के लिए। मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर्स के लिए सेम एथिक्स जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं, और वो भी इशू करने वाला जो बोर्ड होता है दैट इज़ बेसिकली IESBA विच डील्स विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इश्यूज। अगर कोई एथिकल इशू नया अराइज होता है तो उसके अगेंस्ट सोचना ठीक है, और एक नया एथिक्स इशू करना, कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर है ठीक है उसकी ब्रीच हो रही है, उसका जो हल हो सकता है वो प्रेजेंट करना, उन इन चीज़ों के साथ डील करना जो कि एथिक्स से रिलेट करती हैं अकाउंटेंट्स की और ऑडिट की। दैट इज़ बेसिकली व्हाट IESBA डस। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये पब्लिक सेक्टर क्या है, बेसिकली हमें पता है लॉ के अंदर भी हमने ये वर्ड पढ़ा है, पब्लिक सेक्टर इज़ बेसिकली गवर्नमेंट ठीक है। तो गवर्नमेंट ओन्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं ठीक है, ये उनके मैटर्स के साथ डील करता है जो ओवरऑल द वर्ल्ड, क्योंकि बेसिकली ये आईफैक के अंडर बॉडीज हैं, तो आईफैक इज़ अ गवर्निंग बॉडी। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, ये जितने भी बोर्ड्स हैं, ये सारे के सारे इनकी जितने भी पर्पसेज हैं ये ओवरऑल द वर्ल्ड काम कर रहे होते हैं ठीक है। ये नेशनल लेवल पर काम नहीं करते बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी ओवरऑल द वर्ल्ड ठीक है, उनके मैटर्स से जो है ये डील करते हैं। इनकी सिर्फ और सिर्फ जो एब्रीवेशन और बोर्ड जो हैं वो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, पर्पस इनका एज सच नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि जो कॉन्सेप्ट की कंटिन्यूटी है वो रह सके, बरकरार रह सके, इस वजह से मैंने ये पर्पस का कॉलम जो है वो ऐड किया था। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड। ये अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है, ये जब ये हमारा हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए है कि ओवरऑल द वर्ल्ड ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा स्टूडेंट्स का, आर्टिकल्स का पीरियड क्या होगा, आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े जाएंगे, CFAP के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, MSA लेवल पर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, CAF लेवल पर बच्चों को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, एंट्री रूट क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हमारे सिलेबस की डिज़ाइनिंग कैसे होगी, बुक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अरेंजमेंट के साथ किस ऑर्डर के साथ डिज़ाइन किए जाएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारी इश्यूज़ हैं, जो भी हमारे मैटर्स हैं ठीक है, वो हमारे डील करता है IAESBA। ये हमें बताता है कि एजुकेशन ऑफ अकाउंटिंग जो है ठीक है, उससे रिलेटेड जितने मैटर्स हैं उनकी जो डील करना है वो किस तरह से किए जाते हैं। वो आपके सब्जेक्ट क्राइटेरिया हो सकता है ठीक है, और वो आपका ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि आर्टिकल्स की इंडक्शन जो है वो किस तरह से होगी, कब की जाएगी, आप लोगों की जो अटेम्प्ट्स आती हैं ठीक है वो किस बेस पे डिज़ाइन की जाएंगी, बुक्स का मटेरियल कौन सा होगा, किस क्वालिटी का होगा, बुक्स डिज़ाइन करना, उनके कॉन्टेंट्स को डिज़ाइन करना, चैप्टर्स डिज़ाइन करना, उनके ऑर्डर एंड अरेंजमेंट को माइंड में रखना, दैट इज़ व्हाट बेसिकली IAESBA डस। ठीक है जी, तो ये बेसिकली IFAC के अंडर डिफरेंट बोर्ड्स थे जो काम कर रहे होते हैं, इसको कह दें कि IFAC के ब्रांचेस हैं ठीक है। बेसिकली IFAC इज़ डिवाइडेड इनटू दीज फोर ब्रांचेस ठीक है, और इन फोर ब्रांचेस से मिलकर IFAC बनता है ठीक है। तो IFAC के जो कि ग्लोबल बॉडी है अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोफेशन की, तो वो उसके काम जो होते हैं वो बेसिकली अगर हम ये कह सकते हैं कि उसके चार पर्पसेस होते हैं, तो वो चार पर्पसेस ये चार बोर्ड्स कवर करते हैं, और इन बोर्ड्स के थ्रू ही IFAC की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाती हैं। ठीक है जी, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से रिलेटेड बात की
के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमारी नेशनल लेवल की भी हो सकती हैं, जिसमें ICAP आता है हमारा और SECP आता है, जो कि कुछ रिक्वायरमेंट्स लॉ की भी जो है वो अकाउंटिंग और ऑडिट के अंदर अप्लाई होती हैं। उसके बाद हमने इंटरनेशनल लेवल अथॉरिटीज़ की बात की, जिसके अंदर IFAC आता है। और IFAC क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग्स, बेसिकली इट इज़ अ फेडरेशन, इट इज़ अ ग्लोबल बॉडी, ठीक है, जो कि डील करती है ओवरऑल द वर्ल्ड अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोफेशन के मैटर्स से, जो कि डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर डिवाइडेड होती है। इसके अंदर कुछ बोर्ड्स काम कर रहे होते हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शंस ओवरऑल IFAC के होते हैं। ठीक है जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी की सारी समझ आ गई होंगी। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड या आपकी कोई क्वेरी होती है, देन आप जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और यही मैं कहूँगा बार बार कि पिछले लेक्चर्स जो हैं वो साथ साथ देखते रहिएगा, रिव्यू करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। अगली नॉलेज अटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पिछली को ब्रश अप करना, पॉलिश करना भी ज़रूरी है एट द सेम टाइम, ताकि आपका जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रह सके और वो कहीं भी ब्रेक ना हो। जहाँ पर कंटिन्यूटी कंसेप्ट्स की ब्रेक हुई, वहाँ पर आपको अगले प्रोसेसेस समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे या जो प्रैक्टिस मटेरियल्स हम लोग करेंगे कवर, ठीक है, या इवन तो अगले जो चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स यही कॉन्सेप्ट्स होंगे, लेकिन ये मिक्सअप होकर टेस्ट हो रहे होंगे। स्टैंड अलोन टॉपिक्स आप लोग सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे एडवांस हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, वैसे वैसे जो टॉपिक्स हैं वो इमर्ज होते रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पुराने कॉन्सेप्ट्स जो हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी उसी लेवल पर हों, उसी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हों जिस लेवल पर आपका आज का लेक्चर है या कल का लेक्चर है। ठीक है जी, आई होप आपको इससे कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर आपको कोई वैल्यू एडिशन हो रही है तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी जितने भी ऑडिट के स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये कॉन्सेप्ट लेक्चर्स जो है ये पहुंच सकें और उनके भी कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी आ सके। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।